गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। प्यारे बच्चों, आज इस कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक राजनीति विज्ञान के दूसरे अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्र। स्वतंत्रता के भाग एक को हम पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे और इस भाग में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके मुख्य बिंदु कौन से। मुख्य बिंदु है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हानि सिद्धांत को। जे एस मिल के द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे उदारवाद की अवधारणा, फिर हम पढ़ेंगे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को, और अंत में हम अध्ययन करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। प्यारे बच्चों, आपको इससे पहले जो पूर्व ज्ञान है वो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। पिछली कक्षा में हमने स्वतंत्रता के अर्थ और परिभाषा को पढ़ा, इसके बाद हमने स्वतंत्रता का आदर्श जिसमें नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की के बारे में पढ़ा था, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया था। इसके पश्चात हमने पढ़ा था प्रतिबंध कहाँ से लगाए जाते हैं, यानी कि इनका स्रोत क्या है, और फिर हमने अध्ययन किया कि प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और आइए अब जानते हैं कि जो मुख्य बिंदु आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी हानि सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक असहमति तथा कानूनी दंड योग्य कार्यों को समझ पाएंगे। इसके पश्चात सभी विद्यार्थी उदारवाद की अवधारणा को भी समझने में सक्षम होंगे। तीसरा उद्देश्य कि स्वतंत्रता पर लगने वाले उचित प्रतिबंधों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और चौथा उद्देश्य रहेगा कि सभी विद्यार्थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सही अर्थों में समझने योग्य होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये उद्देश्य होंगे। और अब हम शुरू करते हैं स्वतंत्रता भाग दो को इस पहले मुख्य बिंदु से, और पहला मुख्य बिंदु है हानि का सिद्धांत। तो आइए पढ़ते हैं हानि के सिद्धांत। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि जब हमने स्वतंत्रता भाग एक को समाप्त किया था तो उस समय कुछ प्रश्न थे, जैसे कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं, कौन सी सत्ता औचित्यपूर्वक यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। इसी से संबंधित एक और मुद्दे पर हमें ध्यान देना होगा, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल, जे एस मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। हानि सिद्धांत को अच्छे प्रकार से समझने के लिए आइए पहले पढ़ते हैं कि जे एस मिल ने क्या कहा है और इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। जे एस मिल कहते हैं, सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। जे एस मिल के इस कथन द्वारा हम समझ सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी की भी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कारण आत्मरक्षा माना है। उनके अनुसार अगर हम किसी की भी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हैं तो उसके लिए एक सशक्त कारण होना चाहिए। इसी प्रकार से कहता है कि सभ्य समाज के किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ अगर शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग अगर हम कहें तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि किसी दूसरे को हानि से बचाना। जे एस मिल ने स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों में भी अंतर बताया है। स्वसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबद्ध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं।
मिल के अनुसार स्वसंबद्ध कार्यों या निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप या दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आसान शब्दों में समझें तो स्वसंबद्ध वे कार्य जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये तो मेरा काम है, मैं इसे वैसे ही करूँगा जैसा मेरा मन चाहेगा। अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं तो इससे आपको क्या मतलब है। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो स्वसंबद्ध में आते हैं जिनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है। जैसे कि आप कितने बजे ब्रश करते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे खाते हैं, घर में किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि जिनका प्रभाव, ऐसे कार्य जिनका प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ता है वो स्वसंबद्ध कार्य हैं। और जेएस मिल कहते हैं कि इन कार्यों पर या निर्णयों पर किसी प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप या राज्य या किसी अन्य संस्था द्वारा नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाहरी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। परसंबद्ध कार्य वे कार्य हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों या कार्यों की वजह से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। तो स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। और यदि किसी के परसंबद्ध कार्य की वजह से किसी दूसरे को नुकसान या हानि होती है तो उसके लिए जेएस मिल जो प्रतिबंधों का प्रावधान करते हैं। समझने वाली बात यह है बच्चों कि ये हानि या नुकसान जो है वो किस प्रकार का होगा, या वो गंभीर होगा या फिर वो ऐसा होगा कि जिसमें सजा की आवश्यकता ना पड़े। तो ये दो प्रकार की चीज़ें यहाँ पे जेएस मिल ने बताई हैं। पहला बताया उन्होंने सामाजिक असहमति और दूसरा बताया है कानून द्वारा दंड। यदि किसी के द्वारा किया जाने वाला कार्य किसी दूसरों के लिए बहुत ही गंभीर हानि नहीं पहुंचाता हो तो उसे सामाजिक असहमति उसके साथ हम दर्शा सकते हैं। लेकिन यदि किसी के द्वारा किया गया कार्य किसी के लिए गंभीर हानि बनता है या नुकसान पहुंचाता है तो फिर उसके लिए कानून द्वारा दंड का प्रावधान होता है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत या म्यूजिक बजाने पर इमारत में रहने वाले अन्य लोगों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। इसमें FIR नहीं करवाई जा सकती है, ना करवानी चाहिए, ना ही पुलिस को शामिल किया जाना चाहिए, ना ही आपको न्यायालय में जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह ना करते हुए ऊंची आवाज़ में म्यूजिक बजाता है, चाहे तो बाकी लोग उसको नमस्कार कहना बंद कर दें, ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने, अपना संगीत सुनने से रोकता है, ये उनके लिए नुकसान ज़रूर है, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान या हानि नहीं है जिसके लिए उसे कानून द्वारा दंड दिलवाया जा सके। तो इसके लिए तो काफ़ी सामाजिक असहमति जो है वो काफ़ी होगी, यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर जेएस मिल कहते हैं कि समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई संगीत सुनना चाहता है तो ये स्वतंत्रता है, लेकिन यदि संगीत सुनने से किसी को परेशानी होती है या हानि होती है तो संगीत चलाने वाले व्यक्ति को कठिन दंड या कठोर दंड जो है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसकी स्वतंत्रता है और ये इतनी स्वतंत्रता है कि उसकी जिसकी रक्षा के लिए हम थोड़ी सी असुविधा सह सकते हैं। तो सामाजिक असहमति इसके लिए काफ़ी होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान ना पहुँचाने लगें। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की ज़रूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डालें या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाएं। घृणा का प्रचार या गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध जो है वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हों कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए नफरत फैलाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे उम्र कैद दे दी जाए या उसको फांसी पर लटका दिया जाए। इसके बजाय हम ये कर सकते हैं कि
उसको चेतावनी दी जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको कुछ आर्थिक रूप से उसको जो है दंड दिया जा सकता है, या किसी सभा कोई सभा आयोजित करके उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है किसी प्रकार की। तो J.S. मिल इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि वो व्यक्तिवादी विचारक हैं और उदारवादी विचारों में वो विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं कि हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। प्यारे बच्चों, अब समझते हैं उदारवाद। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद को अंग्रेजी भाषा में लिबरलिज्म कहते हैं। लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लिबर वर्ड से निकला है, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से, जिसका अर्थ है फ्री या स्वतंत्र। तो इसका मतलब उदारवाद जो है वो सीधा सीधा स्वतंत्रता से रिलेटेड है या संबंधित है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। कई बार आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति बड़ा उदार है या उसके माता पिता बड़े उदार हैं। तब हम अक्सर यह कहने की कोशिश करते हैं कि वे बड़े सहनशील व्यक्ति हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि उदारवादी वो लोग हैं जो चाहे किसी व्यक्ति से कितने भी असहमत हों, कितने भी उनके विचारों का विरोध करते हों, लेकिन फिर भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और उसको व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतना ही नहीं है, और नहीं उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है, ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है, ये आपको याद रखना है, व्यक्ति। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले हस्तक्षेप का विरोध भी वो करता है। तो उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो व्यक्ति का है, और जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे तभी ये दूसरी चीज़ें भी महत्वपूर्ण बनती हैं। अगर उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं लेना चाहिए, तो उदारवादी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। तो इस प्रकार से उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास रखता है। आइए अब पढ़ते हैं आज के वीडियो का तीसरा टॉपिक या मुख्य बिंदु, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता। इन दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रताओं को समझने से पहले आइए इस वाक्य पर ध्यान देते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इसके विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस वाक्य से अगर निष्कर्ष निकालें तो हमें पता चलेगा कि सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ प्रतिबंध होते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होता है। प्यारे बच्चों, इसी वीडियो में हमने J.S. मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक ओन लिबर्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया, स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्य। J.S. मिल कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए J.S. मिल व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देने के पक्ष में है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वे नियंत्रण पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिवादी या उदारवादी विचारक हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो विचार है नकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ चला जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूरी छूट दी जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उस पर कोई नियंत्रण या बंधन नहीं होगा। उसके कामों का दूसरों पर चाहे जो भी प्रभाव पड़े, परंतु उसे कार्य करने की पूरी छूट मिलती है। इस प्रकार इसका अर्थ है सभी प्रतिबंधों का अभाव। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होता है, यानी कि व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
परंतु सभ्य समाज में रहकर इस प्रकार की अनियंत्रित स्वतंत्रता मिलनी असंभव है, क्योंकि अगर हम सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा देंगे या व्यक्ति पर नहीं लगाएंगे किसी भी प्रकार के प्रतिबंध, तो क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो अनुचित कार्य भी करेगा और उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो इन अर्थों में नकारात्मक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो चोरी करना भी उचित माना जाएगा, उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और इसी प्रकार के दूसरे अनुचित और असामाजिक कार्य करने की भी छूट सभी को मिल जाएगी। यह स्वतंत्रता का निषेधात्मक या नकारात्मक अर्थ है। समाज व्यक्ति को स्वेच्छा अधिकार नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो स्वतंत्रता ना होकर उच्छृंखलता हो जाती है, जिससे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत समाज में चरितार्थ हो जाती है और समाज में पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ये थी नकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम पढ़ते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को वे कार्य करने की छूट जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के लिए हानिकारक भी ना हो। यही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा काम करने की छूट जिससे दूसरों को हानि ना पहुँचे। समाज में रहते हुए मनुष्य सीमित और नियंत्रित स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। सभी पर न्यायोचित और समान प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं होता, बल्कि ऐसे प्रतिबंधों का अभाव होता है जो अन्यायपूर्ण और असमान तथा अनुचित हों। तो प्यारे बच्चों, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है उचित प्रतिबंधों का होना और अन्यायपूर्ण तथा अनुचित प्रतिबंधों का ना होना। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को आजीविका कमाने के लिए अगर दूसरे शहर में जाके नौकरी करनी पड़ती है, तो हम उस पर ये प्रतिबंध ना लगाएं कि वो अपने शहर से बाहर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिर अनुचित प्रतिबंध हो जाएगा। उचित प्रतिबंध ये है कि वो अपना काम कर सकता है, लेकिन उसका काम किसी दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता होती है। टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। वे कहते हैं कि सभी प्रतिबंधों का अभाव होना स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का सही अर्थ उन्होंने बताया कि उन कार्यों को करने या उन सुखों को भोग सकने की क्षमता जो वास्तव में भोगने योग्य हों। इसी तरह से लास्की ने भी कहा है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक चीज़ है, इसका मतलब केवल बंधनों का अभाव नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक लास्की, जॉन लॉक, टीएच ग्रीन, मैकनी, मैकाइवर और गेटेल आदि विचारक हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को हम सिर्फ प्रतिबंधों के आधार पर ही इनमें अंतर कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। सभी प्रतिबंधों का अभाव ये नकारात्मक स्वतंत्रता है और अनुचित प्रतिबंधों का अभाव ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में उचित प्रतिबंधों को लगाया जाता है और अनुचित और अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को हटाया जाता है। और अब शुरू करते हैं आज के इस कक्षा का आखिरी बिंदु, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता, ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। जेएस मिल ने ये तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने कई बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर बैन लगाने की मांग उठती हुई देखी होगी या सुना होगा। प्रतिबंध लगाने की मांग जो है कई बार उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच हमने अंतर किया, स्पष्ट किया। जहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता में उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वहीं पे नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव माना जाता है।
इसी प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को क्या करना होगा, कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वोल्टेयर ने कहा है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई एक गहरी बात है जिस पर हमें विचार करना होगा। जैसे कि वोल्टेयर ने कहा कि मैं आपकी बात का समर्थन नहीं करता, यानी कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी बात बोल सकते हैं क्योंकि ये आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और उनके ही बस मनोरंजन के लिए बनाई जा रही है और हमारे प्राचीन नगर की बदनामी इससे होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह कहीं और बनाई गई। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ओबरे मेनन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की लिखी हुई द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई थी, यानी कि इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। और द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिए गए या इन पे बैन लगा दिया गया। इस प्रकार से प्रतिबंध लगाना एक अल्पकालीन समाधान है क्योंकि यह तात्कालिक मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तो प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बुरी तरह से प्रभावित होती है। ब्रिटेन के महान विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति या विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का पक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसका समर्थन किया है। अपनी पुस्तक ओन लिबर्टी में उन्होंने चार कारण बताए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत माने जाते हैं या बहुत ही भ्रामक लगते हैं। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबिंबित कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता। सत्य कैसे आता है? विरोधी विचारों के टकराव से आता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होते हैं वह सही तरह के विचारों के उदय में काफ़ी बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। तीसरा कारण उन्होंने बताया, विचारों का ये संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। और अंतिम कारण उन्होंने बताया कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था बाद में सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि J.S. मिल ने भी यहाँ बताया, और इसलिए हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। आज हमने हानि सिद्धांत को पढ़ा, उदारवाद के बारे में पढ़ा, सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझा। और अब बारी है गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, हानि सिद्धांत का वर्तमान समय में क्या महत्व है? दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?
आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित बताइए। और अंतिम प्रश्न है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।